नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ओके क्रेडिट में। और आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ, ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसके बारे में शायद आपको नहीं पता था। अगर पता था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता था तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा चैनल, बेल आइकन का बटन दबाइएगा। और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपकी डिमांड हो वीडियोज़ को लेकर, या फिर कोई बिजनेस आइडिया आप चाहते हैं हमारे से, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि पोस्ट ऑफिस में आप किस तरह से 1,00,000 रुपया निवेश करके 37,000 तक का ब्याज पा सकते हैं, और वो भी 3 महीने के अंदर। यानी कि अगर आपने आज पैसा उसमें निवेश किया है पोस्ट ऑफिस के एक स्कीम में, तो आप 3 महीने के बाद आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। तो चलिए बताती हूँ स्कीम के बारे में, तमाम उस पहलू स्कीम के पहलुओं के बारे में ज़रा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये खबर आपके काम की हो। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो वर्तमान के साथ साथ भविष्य को सुरक्षित रखना काफी जरूरी है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और नेशनल पेंशन सिस्टम आपके बुढ़ापे के लिए काफी फायदेमंद स्कीम है। जवानी के दिनों में कमाई का जो हिस्सा आप इसमें जमा करते हैं, रिटायरमेंट के बाद वो आपके काम आता है। सीनियर सिटीजन के लिए आज एक ऐसी बचत योजना के बारे में हम बताने जा रहे हैं जो पेंशन सिस्टम की तरह ही है। इसमें आपको हर 3 महीने पर फिक्स्ड रिटर्न मिलता है। इस स्कीम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि जिस दिन से जमा शुरू करते हैं उसके 3 महीने के बाद आपको रिटर्न मिलना शुरू हो जाता है। पोस्ट ऑफिस की इस शानदार स्कीम का नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। इस स्कीम में निवेश करने पर इंटरेस्ट रेट भी शानदार मिलता है। निवेश पर टैक्स डिडक्शन का लाभ। इस स्कीम का फायदा कोई भी इंडिविजुअल जिसकी उम्र 60 से ज्यादा साल है वो उठा सकता है। रिटायर्ड सिविलियन एम्प्लॉय 55 से 60 साल के बीच और रिटायर्ड डिफेंस एम्प्लॉय 50 से 60 साल के बीच इस योजना में जमा कर सकता है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में सिंगल और स्पाउस के साथ ज्वाइंट खुलवाया जा सकता है। अगर तिमाही इंटरेस्ट क्लेम नहीं किया जाता तो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट नहीं मिलता है। अगर टैक्स इनकम एक वित्त वर्ष में 50,000 से ज्यादा होता है तो TDS कटेगा। निवेश करने पर सेक्शन 80C के तहत 1,50,000 रुपए तक डिडक्शन का लाभ मिलेगा। जैसे कि पहले बताया है, इंटरेस्ट इनकम पूरी तरह टैक्सेबल है। जानिए कितना निवेश करने पर कितना मिलेगा लाभ। अगर आप इसमें 1,00,000 रुपए एक साल जमा करते हैं तो हर साल का इंटरेस्ट 7,400 रुपए होता है। हर 3 महीने पर 1,850 रुपए मिलेंगे। 5 सालों में इंटरेस्ट के रूप में कुल 37,000 रुपए मिलते हैं। 2,00,000 रुपए जमा करने पर हर साल 14,800 रुपए इंटरेस्ट के रूप में बनते हैं और हर 3 महीने पर 3,700 रुपए मिलेंगे, जबकि 5 सालों में कुल 74,000 रुपए इंटरेस्ट के रूप में आएंगे। अगर आप इसमें 5,00,000 जमा करते हैं तो हर साल इंटरेस्ट के रूप में 37,000 रुपए बनते हैं, हर 3 महीने पर 9,250 रुपए मिलेंगे और 5 सालों में कुल 1,85,000 रुपए इंटरेस्ट के रूप में मिलेंगे। रिटायरमेंट फंड से अगर इस स्कीम में 10,00,000 रुपए एक मुश्त जमा करते हैं तो हर साल 74,000 रुपए इंटरेस्ट के रूप में बनते हैं, जो हर 3 महीने पर 18,500 रुपए मिलेंगे। 5 सालों में कुल इंटरेस्ट इनकम 3,07,000 रुपए होंगे। तो देखा आपने कि कैसे आप इस स्कीम के जरिए अपने पैसे को ज़्यादा कर सकते हैं। और ऐसी कई सारी स्कीम्स हैं, बैंक की स्कीम्स होती हैं, पोस्ट ऑफिस की स्कीम होती हैं, और हम आपको टाइम टू टाइम बताते रहते हैं। ऐसे में अगर आपको भी किसी स्कीम के बारे में पता है तो कमेंट सेक्शन में स्कीम के बारे में ज़रूर लिखिए, उस स्कीम का नाम लिख दीजिए, ताकि हम उसका वीडियो बनाकर तमाम दर्शकों की हेल्प कर सकें और उनको रूबरू करवा सकें ऐसी लाभदायक स्कीम से। तो चलिए, मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।